ચોમાસા ઋતુ દરમિયાન ફેલાતો રોગચાળો અંકુશમાં લાવવા માટે ધાનેરા તાલુકા પ્રાથમિક આરોગ્ય અધિકારી લક્ષ્મીકાંત સોમાણીએ આજે વિવિધ શાળાઓની મુલાકાત લીધી હતી અને શાળાના બાળકો કઈ રીતે રોગચાળાને અટકાવી શકે છે તેમ લઈ તાલીમ આપવામાં આવી હતી। बनासकांठा जिल्लाना धानेरा तालुकामां लोकोमां आरोग्य बाबते जागृति आवे तेने लई धानेरा आरोग्य विभाग सतर्क जोवा मळी रही छे। चोमासा ऋतु दरमियान वरसाद पड्या पछी मच्छरजन्य बीमारी फैलाती होय छे अने नागरिको तेनी चपेटमां आवता होय छे। ताव सर्दी मलेरिया सहितनी बीमारीओमां अनेक परिवारो आवी जता होय छे। खास करीने चोमासा ऋतु दरमियान भराता पाणीमां जोवा मळता मच्छरोना उपद्रवना कारणे बीमारी आवती होय छे। आ बीमारीने अंकुशमां लावा माटे प्राथमिक शाळामां अभ्यास करता बाळकोनी मदद लेवामां आवी रही छे। त्यारे आजे धानेरा प्राथमिक आरोग्य अधिकारी लक्ष्मीकांत सोमाणीए धानेरा तालुकानी वालेर प्राथमिक शाळाना धोरण 6-8 सुधीना बाळको साथे आरोग्य बाबते संवाद कर्यो हतो। आरोग्य विभागनुं मानीए तो घरना सभ्योमांथी जो शाळाए आवता बाळकोने आरोग्य बाबते समजण आपवामां आवे तो आखो परिवार रोगचाळाथी दूर रही शके छे। जेने लई वालेर प्राथमिक शाळाना बाळको ચોમાસા દરમિયાન વાયરલ રોગચાળાને લીધે હોસ્પિટલ અને દવાખાનાના દર્દીઓ ઉભરાઈ જતા હોય છે, જેની સામે જાતે પોતાની અને પોતાના પરિવારનું આરોગ્ય ના જોખમાય તેની તકેદારી રાખવા માટે શાળાના બાળકોએ આજે તાલીમ આપવામાં આવી હતી। धानेरा तालुका में बरसात हो रही है तो उसके हिसाब से जो मच्छरजन्य रोग है उनसे बचने के लिए अपने बालकों का बहुत योगदान है। अभी सब जगह स्कूलों में 6वीं और 7वीं और 8वीं का दौरान चालू है तो हमारे आरोग्य टीम आरोग्य कार्यकर तो सबको एक मैंने सूचना दी है कि सब बच्चों को बच्चों का रोल कितना है और मच्छरजन्य रोग को रोकने के लिए वो एक बार समझाया जाए। तो उसी के भाग निमित्त आज हमने वालेर प्रकाशशाला के अंदर 6 और 7 8 के दौरान बच्चों मच्छरजन्य रोग से कैसे बचा जाए, उनमें बच्चों का रोल क्या है ये एक समझाया गया और कोविड से कैसे बचा जाएगा उसके बारे में क्या क्या प्रिवेंशन क्या क्या कैसे रोकना है उनको मास्क के बारे में हैंड वॉश के बारे में सोशल डिस्टेंस के बारे में उनके बारे में जानकारी दी गई। साथ में बच्चों के कई मुझे उनके प्रश्न होते हैं उनको भी उनके प्रश्नों का भी आज उनको जवाब दिया गया। तो ये कार्रवाई हमारे हर स्कूल में ऐसे चालू रहेगी जब तक कि हर बच्चा अपना आरोग्य के प्रति जागरूक ना हो और उसका परिवार भी इस तरह से जागरूक हो जाए। કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ ઘટતા શાળાનું શિક્ષણ કાર્ય ફરી શરૂ થઈ ગયું છે। શાળાએ આવતા બાળકોને કોરોના વાયરસ સામેના નિયમોની સમજણ આપવામાં આવી હતી। પરિવારના સભ્યો કોરોના વાયરસની રસીના બંને ડોઝ લે તે માટે પણ બાળકોને જવાબદારી સોંપાઈ હતી। ધાનેરા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા રોગચાળો આવે એ પહેલા થઈ રહેલા જનજાગૃતિના કાર્યને વાલેર પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય ઈશ્વરભાઈ ચૌધરીએ બિરદાવતા કહ્યું હતું કે જો બાળકો સાવધાન થઈ જાય તો ઘણી ખરી બીમારીઓ દૂર થઈ જાય તેમ છે।